इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मैं आपसे निवेदन ये कर रहा था, भगवान शिव जी क्रोध के नहीं, शांति के देवता हैं, करुणा के देवता हैं, प्रेम के देवता हैं, श्रद्धा विश्वास के देवता हैं, कथा के रसिक हैं, कथा सुनते हैं, सुनाते हैं। कतौ मुनि न उपदेश ही ज्ञाना, कतौ राम गुण करहु करहिं बखाना, आनंद में बैठे रहते हैं। सती अम्बा ने पूछा कि भगवती पार्वती जी ने पूछा, बाबा आपने कथा कब सुनी? तो शिव बाबा ने कहा, जब आप सती शरीर में शरीर को शांत कर दी, तब मैं मराल बनकर, तब कछुकाल मराल तर धरित कीन निवास, कहा कागभुसुंडी जी के नीलगिरी पर्वताश्रम पर मैं हंस शरीर धारण करके और भगवान की पवित्र कथा सुनता रहा है। सन्ना आनंद मंगल। अब कामदेव को भगवान शिव ने देखा, आप माला जप रहे हो, ध्यान कर रहे हो, और कोई आपके कक्ष का दरवाजा खोल दे तो आप उसका आदर करेंगे, उसकी आरती उतारेंगे, आखिर जो करना हो सो करेंगे? कौन चुप रहेगा, कौन कहेगा आइए आइए बैठिए, बहुत अच्छा हुआ आपने मेरा ध्यान तोड़ दिया? कोई कहेगा? क्यों दादाजी, कोई कहेगा? कोई ध्यान में हो और कोई दरवाजा खोल दे या गिलासे पटक दे तो आदर करेगा, प्रसाद बांटेगा, आकी परिस्थिति जन्य व्यवहार करेगा? क्यों बैठी? परिस्थिति जन्य भगवान शिव ने कुछ नहीं किया भैया, जैसे देखा देखा, देखते तापसी वती कामदेव को देखे बाबा, नेत्र अपने आप खुल गया, खुल गया, देखते कामदेव राख हो गया, तेज से स्वाहा हो गया। अब देवता लगे परेशान होने, अब क्या करें? तो देवता परेशान होते हैं तो किसको बुलाते हैं? नारायण नारायण। नारद जी को बुलाए देवता लोग, आओ हमारा संभालो। नारद जी आए, कहिए कैसे स्मरण किया? बाबा देखो ये घटना घट गई, कामदेव को भेजा था और शिव बाबा ने भस्म कर दिया। नारद जी ने रति जी को भेजा, रति अर्थात कामदेव की अर्धांगिनी धर्मपत्नी। जैसे रति देवी पहुंची हैं, रोते छाती पीटते बाल बिखेरे, भगवान शिव को तो कुछ स्मरण नहीं रहा, फिर वहीं चले गए वो जहां बैठे थे ध्यान में। कैसे आई? रति ने कथा बताई, प्रभु आपने मेरे पति देव को भस्म कर दिया, जाओ तुम्हारे पति का नाम आज से अनंग होगा, बिना शरीर सबको वो व्यापेंगे। बोले हमें कब मिलेंगे? बाबा ने करुणा बरसाई और कहा, जब जय दुवंस कृष्ण अवतारा, जब जय दुवंस कृष्ण अवतारा, होई निहराना तनय
कथा यहाँ से पहुँच गई द्वापर युग में। क्या कहा प्रभु शिव जी ने, जब यदुवंश में भगवान कृष्ण का अवतार होगा, उनके पुत्र प्रद्युम्न आपको पति रूप में प्राप्त होंगे, तब तक प्रतीक्षा करो, ऐसा श्राप क्यों मिल गया, फिर ऐसा आशीर्वाद क्यों मिल गया, ये भगवान की लीला है। मैं कल से ही आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये मरना जीना आना जाना ये सब खेला है। कपड़ा बन गया, प्रसन्न हो गए, और बैठे हाथ से दब गया, फट गया, रो लिए, फिर नया बनवा लिए, फिर खुश हो गए। आना जाना लेना देना ये सब लीला है ठाकुर की, जो भगवान लीलाधारी लीला करा रहे। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि भगवान प्रद्युम्न देव जब जन्म लिए तो संबरासुर ने उनके छठी के दिन ही उनको निपटा दिया, उठा लिया, ले जाकर समुद्र में झोंक दिया, मेरा मरने वाला मर गया, अब ले मछली ने खा लिया। वो मछली पकड़ के मछुआरे ले गए उसी संबरासुर के रसोई गृह में। रति जी मायावती इस नाम से रसोइये का काम करती थी। जब पेट फटा उसमें बालक, अब पत्नी ही अपने पति का पोषण पालन कर रही है, छिपा कर बड़ा हो गया, बड़ा हो गया। जब प्रद्युम्न जी बड़े हुए तब प्रद्युम्न जी को ही मायावती जी ने शिक्षण दिया, और तब जाकर के उन्होंने संबरासुर का वध किया, फिर अपनी अर्धांगिनी के साथ लौट के द्वारिका आए। अब माता की स्थिति क्या रही होगी इतने दिन तक, 14 वर्ष तक, ये क्या है लीला। भगवान कृष्ण के जीवन में भी कभी सर्वकाल सुख नहीं रहा, जेल में जन्म लिए। आप विचार करिए, कई लोग तो थोड़ा दुख हो जाए ना आंसू गिराते हैं, और जब वो मेरे से कहते हैं तो मैं भी थोड़ा रो लेता हूँ, उनको लगे कि नहीं महाराज मेरे दुख में दुखी है। मैं किसी के दुख में दुखी नहीं होता, क्योंकि दुख सबके पास है साहब, कोई आपको सुखी नहीं मिलेगा, कोई तन दुखी कोई मन दुखी। अरे हम लोग तो कथा करते हैं, कथा कथावाचक दुख, कब कथा का प्रचार हुआ और सुनने वाले आए नहीं तो हम दुखी। अब बताइए, गाय रहे कोई सुन ही नहीं रहा है, तो सबके साथ प्रभु ने लगा रखा है, परंतु हमको लगता है कि हमारे पास बहुत बड़ा दुख है। अब देखिए, जन्म लेते के साथ माँ के अमृत कलश का अमृत पान करने की बजाय डलिया में रख करके यशोदा मैया के यहां, माँ बाप अभी भी जेल में, क्या सुख रहा है। जिन मां ने पाल पोस करके 11 वर्ष 55 दिन तक बड़ा किया, उनको छोड़ करके फिर मथुरा में मामा जी से जितम युद्ध हुआ, क्या सुख मिला। मथुरा में थोड़े बड़े हुए, ले भाग के फिर द्वारिका बसाना पड़ा, और मित्र भी ऐसे मिले कि उनका कष्ट काटते 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 पांडवों का कृष्ण भगवान का पूरा जीवन चला गया। अब पाल पोस कर पूरा यदुवंश बड़ा किए, ऋषि देव का शाप लग गया भगवान के सामने, देखते देखते सब यदुवंशियों का विनाश हो गया, क्या सुख मिला। जगत की यही रचना है, माई बाप सबके सुख में सुखी हो लीजिए, और सबके दुख में उसको अच्छा लगे इसलिए थोड़ा दुखी हो लीजिए। हाँ, वो 2 बार रोवे तो आप 6 बार रोइए, मुझे बड़ा कष्ट हुआ। न रोना आवे तो पानी लगा लीजिए, विक्स लगा लीजिए, आंसू निकलता है उसे, हीरो लोग यही करते हैं। अरे भैया देखो, कोई दुखी नहीं, कोई पूर्ण सुखी नहीं, सबकी अपनी अपनी गति है। बस नानक दुखिया सब संसारा, सोई सुखिया जो नाम अधारा, नाम अधारा, आनंद में रहिए, सुख दुख बराबर बराबर सबको भगवान ने बराबर बांट रखा है। रति जी को आशीष मिला, यदुवंश में प्रद्युम्न आपको पति रूप में मिलेंगे, जाइए
जैसे शिव बाबा शांत भए सब देवता लोग शरण में आ गए। आए और सब लोग स्तुति करते हैं, पृथक पृथक तिन प्रसन्न भये प्रसन्न चंद्र। एक साथ बोलने को समवेत कहते हैं। आइए आशा भोसले और साथियों के स्वर में समवेत स्वर में मंगल गान सुनते हैं, बोलते हैं ना वो रेडियो वाले बोलते हैं समवेत माने एक साथ। भूत प्रेत की तरह नहीं कि पांच आदमी पांच लय में गावे। भूत प्रेत लोग देवता लोग ये सब आनंदी मूर्ति हैं, ते लोग अलग अलग गा रहे थे। भगवान समझ गए शिव बाबा ये लगता है डर के आए, तभी तो पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा यहाँ भये प्रसन्न चंद्र। बोले कृपा सिंधु वृष के कहो अमर आए के। अमर माने जिस जो मरे न, अ माने होता है नहीं, मर आप जान ही रहे, जो मरे न वो अमर है। कोई भी जो जन्म लिया उसका मरना आवश्यक है, आवश्यक नहीं है तो अनिवार्य है। कहो तिवारी जी, जो जन्मेगा वो मरेगा, इसलिए जो निश्चित है उसके बारे में रोने का कोई काम नहीं। न जाने लोग मरने से क्यों घबराते हैं, मरना तो है ही है, कोई अभी जाएगा कोई कभी जाएगा, इसलिए मरने के लिए रोना नहीं। फिर भी आदमी मरने से डरता है। जो निश्चय है उससे क्यों डरना, मरना है ही। फिर महाराज मरना है तो डरना नहीं, नहीं मरना है तो डरना क्यों, फिर क्या करना। जीवन नहीं ऐसा हम रहें कि हम मरण को सुधार लें, मरण को संवार लें, मरण को मंगलमय बना लें तो हम अमर हो जाएंगे। मरना निश्चित है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।